मैं आपको बताया है कि लिक्विड का टोटल वॉल्यूम जो इस वेसल में होगा, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, और इतने वॉल्यूम में जो लिक्विड है दैट वुड बी रो इनटू ई, वेयर रो इज एब्सोल्यूट डेंसिटी, दिस रो इज एब्सोल्यूट डेंसिटी, और रिलेटिव दे रखी है तो उसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी इनटू इट्स वॉल्यूम, दैट इज रो एच जी। और यह जो लिक्विड का मास है इसकी वजह से बॉटम पर जो फोर्स लगेगा दैट इज द वेट ऑफ द लिक्विड, दैट इज इक्वल टू एम जी, एम की जगह पर एम लिख दिया, जी की जगह पर जी, और यह जो फोर्स है यह यूनिफॉर्मली वेसल के बॉटम पर एक्ट करेगा। नाउ प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ वेसल ड्यू टू द लिक्विड कॉलम ओनली, वेसल के बॉटम पर लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर होगा दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज रो ए एच जी अपॉन इट्स एरिया, और यह एरिया कैंसल्ड एंड विल ऑब्टेन प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड इज एच रो जी। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड एच रो जी, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, इट डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड इट्स डेंसिटी। यदि मुझसे पूछा जाए कि किसी वेसल में एच हाइट तक कोई लिक्विड भरा हुआ है तो उस लिक्विड की वजह से वेसल के बॉटम पर क्या प्रेशर लगेगा, देन द एक्सप्रेशन इज एच रो जी। वहां टोटल कितना लिक्विड भरा हुआ है इस बात से कोई मतलब नहीं, वेसल का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इस बात से भी कोई मतलब नहीं, मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, उसकी डेंसिटी क्या है। वाटर है तो वाटर की डेंसिटी लेना होगी, अल्कोहल है तो अल्कोहल की डेंसिटी, पेट्रोल है तो पेट्रोल की डेंसिटी, केरोसिन है तो केरोसिन की डेंसिटी, जो भी कोई लिक्विड है उसकी डेंसिटी। H इज द हाइट अप टू विच द लिक्विड इज फिल्ड, कितनी हाइट तक लिक्विड को भरा गया है, एंड G इज एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज कॉन्स्टेंट और फिक्स्ड एट एनी पॉइंट और एट एनी प्लेस। देखिए यह जो मैंने डेरिवेशन करा है, मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म लेकर जरूर करा है, लेकिन सच्चाई यह है, द फैक्ट इज कि वेसल का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, जैसे यह कोई वेसल है, यह कोई वेसल है, आप देखिए इस वेसल का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं है। इस वेसल में यदि एच हाइट तक कोई लिक्विड भर दिया जाए, वर्टिकल हाइट एच है, एच हाइट तक कोई लिक्विड भर दिया जाए, वर्टिकल हाइट एच, इरेस्पेक्टिव कि वेसल का एरिया यूनिफॉर्म है या नहीं, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ वेसल, इस वेसल के बॉटम पर जो प्रेशर लगेगा
due to liquid column only, सिर्फ liquid column की वजह से जो pressure लगेगा, that would be H rho G. भले ही vessel इस तरह का हो, आप इस तरह का vessel ना लीजिए, आप इस तरह का vessel ले लीजिए. क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं है. पहले वेसल में क्रॉस सेक्शन एरिया कॉन्स्टेंटली घटता जा रहा था, इस वेसल में क्रॉस सेक्शन एरिया कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है. नीचे जाते जाते वही एच हाइट तक इसमें भी हमने लिक्विड भर दिया, एच हाइट तक इसमें भी हमने लिक्विड भर दिया. वर्टिकल हाइट एच, इस लिक्विड की वजह से वेसल के बॉटम पर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ वेसल ड्यू टू लिक्विड कॉलम ओनली, सिर्फ लिक्विड कॉलम की वजह से वेसल के बॉटम पर जो प्रेशर लगेगा दैट वुड बी एच रो जी. चलिए ऐसा वेसल ना लेकर आप ऐसा वेसल ले लीजिए, कोई इस तरह का वेसल ले लीजिए, एच हाइट तक आप इसमें लिक्विड भरिए, वर्टिकल हाइट एच होना चाहिए, यह वर्टिकल हाइट एच है. इस वर्टिकल हाइट एच तक जो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड की वजह से वेसल के बॉटम पर जो प्रेशर लगेगा दैट वुड बी एच रो जी. It depends only on the vertical height. आप ऐसा वेसल नहीं, आप इस तरह का वेसल ले लीजिए. इस तरह के वेसल में आप h हाइट तक कोई लिक्विड भर दीजिए. इस लिक्विड की वजह से वेसल के बॉटम पर क्या प्रेशर लगेगा, दैट प्रेशर इज एच रो जी. आप ऐसा लिक्विड, इस तरह का वेसल लेने के बजाय इस तरह का कोई वेसल ले लीजिए, इसमें वही वर्टिकल हाइट एच तक लिक्विड भर दीजिए. इस एच हाइट के लिक्विड कॉलम की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी कुछ प्रेशर लगेगा दैट इज एच रो जी. हाँ देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ वेसल ड्यू टू लिक्विड ओनली, और अभी एटमॉस्फेयर की वजह से कुछ प्रेशर, ये बात तो मैं जानता ही नहीं हूं. मैंने तो सिर्फ लिक्विड की वजह से प्रेशर निकाला है. मैंने वो तो पूछा ही नहीं है ना, मैंने तो यह पूछा है प्रेशर एट द बॉटम ऑफ वेसल ड्यू टू लिक्विड ओनली. यह जो प्रेशर निकाला है यह सिर्फ लिक्विड की वजह से प्रेशर है, इसमें कोई एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर नहीं है. और मैं तो भी जानते ही नहीं हूं कि एटमॉस्फेयर की वजह से कुछ प्रेशर होता भी है. हाँ हाँ नहीं, एक एक करके बोलो. हाँ ये जो प्रेशर, नहीं डेफिनेटली वह भी कैंसिल होगा. कैसे कैंसिल होगा मैं अभी बता देता हूं. हाँ हाँ देश समाधा क्यूरी. अभी आप सिर्फ इस चीज को पहले नोट डाउन कीजिए, मैं इस चीज को प्रूव भी करवाता हूं जो मैं लिख रहा हूं. हाँ अभी मैंने यह चीज बिल्कुल साफ लिखा दी है कि यह जो एक्सप्रेशन है इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया आ गया, और मैं अभी अभी इन सब के भी केस में इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया प्रेशर लाके दिखा देता हूं.
अभी पहले आप लिख लो, फिर उसके बाद मैं प्रूव भी कर दूंगा। अभी मैं साफ लिख चुका हूं कि यह मैंने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए ऑब्टेन करा है कि यह जो प्रेशर है इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड इट्स डेंसिटी। यह यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए अभी अभी मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। मैं इसी चीज को कह रहा हूं कि यह इन सबके लिए भी होल्ड करेगा, और इस चीज को मैं अभी प्रूव कर देता हूं। पहले आप लिख लीजिए इन सब चीजों को, यहां ऐसा होता है, पहले समझ ली, इसको सुन लीजिए। अब मैं इस चीज को किसी भी एक केस के द्वारा प्रूव कर दूंगा। और यह जो प्रेशर मैं निकाल रहा हूं, एक बात ध्यान रहे, दिस इज प्रेशर एट द बॉटम ऑफ वेसल ड्यू टू लिक्विड ओनली। मैं अभी नहीं जानता हूं कि इस लिक्विड के ऊपर एयर है, मैं अभी नहीं जानता हूं कि इस लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेयर है, मैं अभी यह भी नहीं जानता हूं कि इस लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से कुछ प्रेशर है, मैं अभी यह भी नहीं जानता हूं कि कोई प्रेशर एटमॉस्फेयर करके होता है। मैं तो अभी सिर्फ इतना जानता हूं कि यह लिक्विड है, वेसल में भरा हुआ है, वर्टिकल हाइट एच है, तो सिर्फ इस लिक्विड की वजह से वेसल के बॉटम पर क्या प्रेशर होगा। और यह जो कंसेप्ट है इट्स एप्लीकेबल थ्रू आउट द यूनिवर्स। मैं सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मून पर भी ऐसा होगा, ग्रेविटी फ्री एटमॉस्फियर फ्री सरफेस पर भी ऐसा होगा। मून की जो भी कुछ ग्रेविटी है वह ले ली जाएगी, एच हाइट ऑफ लिक्विड ले लिया जाएगा और वहां पर लिक्विड की डेंसिटी ले ली जाएगी। यह जो एक्सप्रेशन है हमेशा होल्ड करेगा। अभी इधर एटमॉस्फेरिक एयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली तो कोई बात अभी उठी ही नहीं। अब यह चीज देखने के बाद मैं अब इस चीज को प्रूव भी कर देता हूं। मैंने जो कहा है कि किसी भी तरह का वेसल हो, किसी भी शेप का वेसल हो, उसमें यदि एच वर्टिकल हाइट तक लिक्विड भरते हो तो उस एच वर्टिकल हाइट की लिक्विड की वजह से वेसल के बॉटम पर जो प्रेशर लगना है दैट इज एच रो जी, उसका वेसल के शेप से कोई मतलब नहीं। और खास बात ये जो एच है इट शुड ओनली बी द वर्टिकल हाइट, इसे वर्टिकल हाइट होना चाहिए, कोई आड़ी तिरछी हाइट मेजर नहीं करना है। अब देखिए जरा, मैं इसे प्रूव करता हूं। मैं एक कोई सा भी केस लेकर प्रूव करूंगा, चलिए मटके वाला केस लेकर प्रूव कर देता हूं। यदि मटके के केस में मैंने यह चीज प्रूव कर दिया तो मैं मान लूंगा कि यह सभी केस में होल्ड करेगा। इस तरह का एक वेसल ले लेता हूं, यह वेसल है, यदि इसके लिए मैंने यह बात प्रूव कर दी कि इस एच वर्टिकल हाइट के लिए बॉटम में प्रेशर एच रो जी है, तो मैं कहूंगा कि हर एक केस में वह कंसेप्ट होल्ड करेगा। देखिए, मैंने यह एक वाटर का एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, बीच में कहीं पर भी। अब जरा सोचिए कि टॉप से यह जो एलिमेंट है जो मैंने लिया है इसकी दूरी x है, और यह जो छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया है इसकी वेट बहुत छोटी सी वेट है dx, अ डिफरेंशियल वेट, बहुत छोटी सी इनफाइनेटेसिमली स्मॉल वेट, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए s है। नाउ दिस s विच इज क्रॉस सेक्शन एरिया, इट्स अ वेरिएबल, यह वेरिएबल है।
या चेंज हो सकता है, इधर कुछ और है, इसके ऊपर लेंगे तो कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग। अब एक बात बिल्कुल साफ है, इसके ऊपर यह मास एम है और यह जो डिफरेंशियल मास है यह डीएम है। जरा सोचिए, यह जो डिफरेंशियल एलिमेंट मैंने लिया है, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होगा? डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा, और वह डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डीएक्स, दिस वुड बी द डिफरेंशियल वॉल्यूम, इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डीएक्स। डिफरेंशियल मास क्या होगा? इट्स रो डीवी इन, दैट इज रो इनटू एस इनटू डीएक्स। अब जरा सोचिए, इस सरफेस पर, डिफरेंशियल मास के इस सरफेस पर जो प्रेशर लगता है, दैट इज पी एंड दैट इज एम जी अपॉन एस। ठीक है, जबकि इसके नीचे इस लेयर पर जो प्रेशर लगेगा, इस लेयर पर जो प्रेशर लगेगा, नीचे वाली लेयर पर जो प्रेशर लगेगा, दैट वुड बी सम मोर प्रेशर, कुछ ज्यादा प्रेशर होगा, पी प्लस डीपी। पी तो ऊपर वाली लेयर पर प्रेशर लग रहा था, नीचे वाली लेयर पर प्रेशर लगने लगा पी प्लस डीपी, और यह ज्यादा प्रेशर इसलिए लगेगा क्योंकि ऊपर वाले लेयर पर तो सिर्फ डी एम मास की वजह से प्रेशर लग रहा था, नीचे वाली लेयर पर एम प्लस डीएम मास की वजह से प्रेशर लग रहा है, और यह इतना पतला एलिमेंट है कि इधर से इधर तक आने में क्रॉस सेक्शन एरिया में जैसे कोई फर्क आया ही नहीं, क्योंकि बहुत पतला सा एलिमेंट है। मैं कहता हूं ऊपर वाली लेयर पर प्रेशर इतना है, नीचे वाली लेयर पर प्रेशर इतना है, ऊपर वाली लेयर पर कुछ कम प्रेशर होगा, और वह कम प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि उसके ऊपर वजन कम है, नीचे वाली लेयर पर कुछ ज्यादा प्रेशर होगा, इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि इस पर वजन ज्यादा है, एम तो है ही, साथ में डीएम भी बढ़ गया। अब DP is increase in pressure when we go, when we increase the depth by dx. जब हम depth को dx से increase करें हैं, तब increase in pressure DP है। Original pressure P था इस layer पर, dx से नीचे गए तो pressure P plus DP हो गया। Now this minus this करता हूं, DP is increase in pressure, जब मैंने दिस माइनस दिस करा तो यह हो गया डीएम जी बाय एस। इंक्रीज इन प्रेशर डीपी एस, डीएम की जगह पर मैं रो एस डीएक्स जी बाय एस, और देखें आप क्रॉस सेक्शन एरिया भले ही वेरिएबल है वह इधर कैंसिल हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि वेरिएबल क्वांटिटी है वह कैंसिल हो रहा है। डीपी इज इक्वल टू रो जी इंटू डीएक्स। नाउ आई इंटीग्रेट दिस फंक्शन, यह डीपी रो जी डीएक्स
दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं, लेकिन रो और जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन से जरा बाहर होंगे। मैं पहले कंक्लूजन इसलिए बता देता हूं क्योंकि कंक्लूजन को समझाते समय थोड़े एडवांस मैथमेटिकल एप्लीकेशन आते हैं इस तरह के इंटीग्रेशन टाइप के। जब इस एक्स की वैल्यू जीरो है, जब इस एक्स की वैल्यू जीरो है तब लिक्विड की वजह से प्रेशर भी जीरो है। इनिशियल कंडीशन इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन के नीचे इस तरह से लिखी जाती है। जब हम x को बढ़ाते जाते हैं, नीचे जाते जाते हैं और हम जाते जाएंगे और पूरे वेसल के बॉटम तक पहुंच जाएंगे, तब तक x की वैल्यू बराबर h हो चुकी रहेगी और प्रेशर p हो चुका रहेगा। इंटीग्रल dp is p और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स को इस तरह से लिख दिया जाता है, इंटीग्रल dx is h, लिमिट्स को इस तरह से लिख दिया जाता है। फिर अपर लिमिट लगाई जाती है माइनस लोअर लिमिट रो जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ वेसल इज h रो जी। मैं कंक्लूजन पहले बताना पसंद करता हूं हमेशा, जिससे आपको पता रहे कि आप एक्चुअली प्रूव क्या करना चाहते हो, आप चाहते क्या हो। और उसको प्रूव करने के दौरान जब हम इस तरह की चीज प्रूव करने लगते हैं तो कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एप्लीकेशंस आ जाते हैं, एडवांस मैथमेटिकल, कॉम्प्लेक्स तो नहीं एडवांस कहना चाहिए, एडवांस इसलिए कहना चाहिए क्योंकि यह चीज 11th क्लास के सिलेबस में नहीं होती है, इस तरह के मैथमेटिकल एप्लीकेशन 12th के सिलेबस में होती है। एनीवे, मैंने वह चीज इस्तेमाल करके यह प्रूव करा है। देखिए, लिक्विड के ऊपर कुछ प्रेशर हो सकता है लेकिन लिक्विड की वजह से नहीं होगा, वो किसी और वजह से होगा। व्हेन एक्स इज जीरो तब लिक्विड की वजह से प्रेशर जीरो होगा क्योंकि लिक्विड का कोई वजन नहीं होगा इसके ऊपर। और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे एच डेप्थ पर, लिक्विड की वजह से प्रेशर पी हो जाएगा। और मैंने यह प्रूव कर दिया है कि यह वेसल किसी भी शेप का है, बीच में कोई से भी क्रॉस सेक्शन आए, यह क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा हर डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए कैंसिल होते रहेंगे और ओवरऑल यह आएगा कि वेसल के बॉटम पर जो भी कुछ प्रेशर है वह क्रॉस सेक्शन एरिया पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। अभी जो भी कुछ मैंने समझाया मैं इसी को और भी डिटेल में एलाबोरेट करता हूं, इलस्ट्रेट करता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरा अगला आर्टिकल। 9th या फिर 10th में या फिर 8th में कहीं ना कहीं आपने साइंस की बुक में दो डायग्राम बने हुए देखे और उन डायग्राम के बगल में कुछ कुछ लिखा भी होता है, लेकिन वो कभी उस समय समझ में नहीं आता है कि कह क्या रहे हैं और डायग्राम क्या बने हुए। वो डायग्राम इस तरह से बने हुए होते हैं, या तो 8th क्लास में आपने देख रखा है या फिर 9th क्लास में आपने कहीं पर देख रखा है। इस तरह का एक वेसल बना देते हैं और वेसल के अलग अलग लेवल पर छेद कर दिए जाते हैं, आइडेंटिकल होल है। यह एक डब्बा है, जस्ट इमेजिन सिलेंड्रिकल लंबा इस तरह का कोई डब्बा है, सिलेंड्रिकल है वेसल। यह इस सिलेंड्रिकल वेसल में अलग अलग लेवल पर आइडेंटिकल होल बना दिए गए, बिल्कुल आइडेंटिकल होल, एक सबसे नीचे, एक थोड़ा ऊपर और एक ऊपर। इस तरह से हमने, अभी मैंने सिर्फ 3 छेद बनाए हैं, इस तरह से 3 छेद हमने वेसल में बना दिए, बिल्कुल आइडेंटिकल। और इस वेसल को लिक्विड से भर दिया। Now definitely water jet would be ejected through the hole
इन तीनों छेद के द्वारा वाटर का जेट इजेक्ट होगा। यदि प्रैक्टिकली हम इस एक्सपेरिमेंट को करें, इन ये जो होल है बिल्कुल आइडेंटिकल बनाए और थोड़े छोटे होल बनाए, विल ऑब्जर्व समथिंग लाइक दिस। हम कुछ इस तरह की चीज ऑब्जर्व करेंगे। विल ऑब्जर्व समथिंग लाइक दिस। वाटर के जो जेट इजेक्ट हो रहे हैं, आप देखेंगे कि जो सबसे नीचे वाला जेट है उससे वाटर जो इजेक्ट हो रहा है वह सबसे ज्यादा वेलोसिटी से इजेक्ट होगा। सबसे ज्यादा वेलोसिटी से यह जेट इजेक्ट होगा, उससे कम वेलोसिटी से यह ऊपर वाला जेट, और सबसे कम वेलोसिटी से वाटर ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले जेट। दो जो वाटर इजेक्शन की वेलोसिटी है उसे आप महसूस कर सकते हैं इधर उंगली रखकर। इधर जब आप उंगली रखेंगे तो वो इतना ज्यादा प्रेशर से बाहर आता नहीं दिखेगा, इधर थोड़ा प्रेशर ज्यादा दिखेगा और इधर सबसे ज्यादा प्रेशर दिखेगा। इसलिए ज्यादा दिखेगा क्योंकि वेलोसिटी इधर सबसे ज्यादा महसूस हो जाएगी आपको, आपकी उंगलियों। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन, अ वेरी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, तो आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यह डायग्राम डेफिनेटली आपने 8th, 9th या 10th की कहीं ना कहीं साइंस की बुक में बना हुआ देखा है। इस डायग्राम को देखकर, इस एक्सपेरिमेंट को देखकर और पिछले आर्टिकल को देखकर आई विल कंक्लूड। समझिए बात, वाटर इजेक्शन की वेलोसिटी ज्यादा होती है यदि प्रेशर ज्यादा होता है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा वेलोसिटी के साथ वाटर इजेक्ट होगा, और जितना कम प्रेशर होगा उतनी ही कम वेलोसिटी के साथ वाटर इजेक्ट होगा। द वेलोसिटी विथ विच वाटर इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। I'll conclude, since the ejection velocity of water, its maximum for this hole, hence pressure is maximum for this hole. इस होल पर प्रेशर मैक्सिमम है। जो होल सबसे नीचे है, जो होल सबसे ज्यादा गहराई में है, उधर प्रेशर सबसे ज्यादा है, उधर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे होल की गहराई कम हो रही है वैसे वैसे होल पर प्रेशर कम हो रहा है, उसके द्वारा इजेक्ट होने वाले वाटर की वेलोसिटी कम हो रही है। होल की गहराई और भी कम होती है, गहराई कम हो रही है, डेप्थ कम हो रही है, डेप्थ के कम होने से प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर के कम होने से वाटर इजेक्शन की वेलोसिटी कम हो रही है। नाउ आई शुड कंक्लूड, प्रेशर ऑलवेज इंक्रीजेस विथ द डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, जैसे जैसे हम लिक्विड की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, और यह चीज हम देख भी चुके हैं। प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, अभी अभी तो हमने लिखा है, वेयर एच इज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। कोई सा भी लिक्विड है इस लेवल, यह यदि लिक्विड है इस लेवल की डेप्थ H1 है, इस लेवल की डेप्थ H2 है और इस लेवल की डेप्थ H3 है,
तो इस लेवल पर प्रेशर P1 होगा, दैट इज H1 रो G. इस लेवल पर प्रेशर P2 होगा, दैट इज H2 रो G. इस लेवल पर प्रेशर P3 होगा, दैट इज S3 रो G. एंड ऑब्जर्व दैट H1 इज लेस देन H2 इज लेस देन S3, हेंस P1 वुड बी मिनिमम, P2 would be large and P3 would be maximum. जैसे जैसे हम लिक्विड की गहराई में जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है. मतलब हम यदि किसी स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं तो सरफेस पर प्रेशर मिनिमम है, हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वह प्रेशर बढ़ते जाएगा. नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज विदाउट एनी एड, यदि हम कोई एड न लें, और हम समुद्र के अंदर गहराई में जाएं, द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज ह्यूमन बॉडी कुड रेजिस्ट प्रेशर ओनली अप टू 100 मीटर्स. हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, यह ह्यूमन बॉडी समुद्र के अंदर गहराई में जाए तो हमारी बॉडी सिर्फ 100 मीटर गहराई तक जो प्रेशर है उसी को सस्टेन कर सकती है. उससे ज्यादा गहराई में हम जा ही नहीं सकते बिना किसी चीज के सहारे के. उससे ज्यादा गहराई में यदि हम जाएंगे तो वहां प्रेशर इतना अधिक है कि हमारी बॉडी उस प्रेशर को सस्टेन कर ही नहीं सकेगी. हमारी बॉडी में ढेर सारे ब्रेकडाउन हो जाएंगे, वेल डेफिनेटली बिकम परमानेंटली डिसेबल्ड. इनफैक्ट 100 मीटर तक की गहराई का, यदि आप 50 मीटर तक की गहराई में चले जाओ बिना किसी एड के, बिना अपने कानों को बंद किए, बिना अपने कानों को ढके, यदि आप 40-50 मीटर की गहराई तक भी चले जाओ तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे उस प्रेशर से और आप परमानेंटली बहरे हो जाओगे. इतने अधिक प्रेशर से, वो प्रेशर इतना अधिक होगा कानों के ऊपर कि वो पर्दों को फाड़ देगा और आप परमानेंटली बहरे. हाँ बोलिए. हाँ हाँ देखिए, अभी मैं कोई टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर नहीं देख रहा हूं, कृपया टेम्परेचर को भूल जाए. अभी मैं एक एक करके फैक्टर्स को एड अप करूंगा. कई सारे फैक्टर्स एड अप करने पड़ते हैं एक एक करके. अभी मैं सिर्फ लिक्विड, उसके सिर्फ लिक्विड की वजह से प्रेशर बोल रहा हूं, उसकी डेंसिटी, उसकी हाइट की वजह से. टेम्परेचर का कहीं कोई रोल देख ही नहीं रहा हूं. इसके बाद मैं एटमॉस्फेयर को भी ऐड करूंगा. इसके बाद मैं धीरे धीरे करके अगले चैप्टर तक आते आते इसमें टेम्परेचर का भी रोल ऐड अप करूंगा. एक एक करके इन फैक्टर्स को ऐड करता हूं. एक साथ यदि आप इतनी सारी बातें पूछेंगे तो मुझको आज का लेक्चर कम से कम 5-6 घंटे का लेना पड़ जाएगा, तब जाके ये चीज कंप्लीट हो पाएगी. 2-2 घंटे के लेक्चर में हम कम से कम 10 बार में यह सब चीजें समझेंगे. हाँ हाँ बोलो. नहीं नहीं नहीं, फिर इरेलेवेंट क्वेश्चन पर अभी मत आओ. अभी बिल्कुल रेलेवेंट हम टास्क पर रहते हैं. इरेलेवेंट मतलब डिफरेंट क्वेश्चन पर जाओ. ये सब के कारण हम बाद में अलग अलग समय पर देखते रहेंगे. एक और एक्सपेरिमेंट हमने देख रखा है, एक और फिगर हमने इसी के साथ में देख रखा है. मैं उस फिगर को भी बनाता हूं और उसके कंक्लूजन भी हम समझते हैं. जहां पर बुक में यह फिगर दिया हुआ होता है, साथ ही साथ एक और फिगर दिया हुआ होता है, और वह फिगर इस तरह से होता है. इस फिगर को भी बनाइए. एक वेसल इस तरह से बना दिया जाता है. उस वेसल के सेम लेवल पर आइडेंटिकल होल्स बना दिए जाते हैं. उस वेसल के सेम लेवल पर आइडेंटिकल होल्स बना दिए जाते हैं.
These are the identical holes drawn at the same level, exactly same level पर identical holes बना दिए गए और इस vessel में liquid भर दिया जाता है up to certain height. Once again, इन सभी hole से vessel इन सभी hole से water eject होता है. वाटर का जेट इन सभी होल से इजेक्ट होते हुए आप देखोगे. खास बात, यह सभी आइडेंटिकल होल से और इन चारों तरफ आइडेंटिकल होल, चार पांच छह सात आइडेंटिकल होल बना रखे हैं, सात आठ आइडेंटिकल होल आपने बना रखे हैं और इन सभी होल से आपको वाटर जेट इजेक्ट होता हुआ दिखाई देगा. और इस बार जो आप ऑब्जर्व करोगे कि इन सभी होल से वाटर इज इजेक्टिंग आउट विद द सेम वेलोसिटी. इन सभी होल से वाटर इज इजेक्टिंग आउट विद द सेम वेलोसिटी. द जेट हैव गॉट सेम वेलोसिटी फ्रॉम ऑल द होल. इधर से जो पानी जिस वेलोसिटी के साथ इजेक्ट हो रहा है, इधर भी पानी उसी वेलोसिटी के साथ इजेक्ट होगा, इधर भी पानी उसी वेलोसिटी के साथ इजेक्ट होगा, इधर भी उसी वेलोसिटी के साथ, इधर भी. इन सभी होल से जो पानी इजेक्ट हो रहा है सेम वेलोसिटी के साथ इजेक्ट होगा. नाउ द कंक्लूजन इज, पानी का जो प्रेशर इधर है वही प्रेशर इधर भी है, वही प्रेशर इधर भी है, वही प्रेशर इधर भी है और वही प्रेशर इधर भी है. इसका मतलब इस पर्टिकुलर लेवल पर प्रेशर चारों तरफ इक्वल लग रहा है. इक्वल प्रेशर इज एक्टिंग इन ऑल द डायरेक्शन. प्रेशर एट एनी लेवल एक्ट इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन. प्रेशर एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पर यदि हम देखते हैं तो प्रेशर एक्ट इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन. यह जो प्रेशर है इट ऑलवेज एक्ट इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन. जितना प्रेशर इस लेवल पर इस डायरेक्शन में, उतना ही प्रेशर इस लेवल पर इस डायरेक्शन, उतना ही प्रेशर इस लेवल पर इस डायरेक्शन में, उतना ही प्रेशर इस लेवल पर इस डायरेक्शन में, उतना ही प्रेशर इस लेवल पर इस डायरेक्शन में. सेम लेवल पर चारों तरफ प्रेशर इक्वली एक्ट करता है. प्रेशर एट एनी लेवल, किसी भी एक फिक्स लेवल पर, एट एनी फिक्स्ड लेवल, एक्ट इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन. प्रेशर हमेशा इक्वली एक्ट करता है. और इनफैक्ट इस लेवल पर देखें, इस पॉइंट पर देखें तो लिक्विड का जो प्रेशर इस तरफ वही प्रेशर इस तरफ, वही प्रेशर ऊपर नीचे सब तरफ प्रेशर बराबर होता है. यह जो मैं लिक्विड के केस में बता रहा हूं, इनफैक्ट यह गैसेस के लिए भी होल्ड करता है. हाँ हाँ, यह क्यों नहीं वेरिएशन आएगा यार, तब डिटेल एनालिसिस करेंगे. यदि आपका वेसल मान लीजिए इस तरह का, इस तरह का कोई वेसल है, तो आप यह समझिए कि इस जगह पर प्रेशर कुछ और है, इस जगह पर कुछ और है, इस जगह पर कुछ और है, इस जगह पर कुछ और है. इधर यह वर्टिकल हाइट देखेंगे, इधर यह वर्टिकल हाइट देखेंगे और इधर यह वर्टिकल हाइट देखेंगे. तो
अलग अलग हाँ हाँ बिल्कुल सेम सेम वेलोसिटी के साथ इजेक्ट होगा। यदि वेसल आपका ऐसा भी होता है और इस पर सेम लेवल पर होल बनाया जाए तब भी वह प्रेशर सेम दिखाई देगा, क्योंकि यह डेप्थ तो आपको इधर से मेजर करना है, यह जो लिक्विड भरा है यहां तक इधर से मेजर करना, इसका नीचे वेसल कैसा है इससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ नहीं नहीं एक मिनट, मैं गैसेस के केस में यह भी बताता हूँ, पहले लिक्विड के केस में देख लेते हैं। हाँ दे सम क्यूरी अरे आप ये सब काम काहे को कर रहे हो, ऊपर ढक्कन लगा के उल्टा करेंगे तो नीचे इवन हो जाएगा फिर। हाँ तो फिर वो देखेंगे उसका हाइट का डिफरेंस देखेंगे, वो सवाल में दूंगा ना आपको प्रॉब्लम करने के लिए, तुम करना और क्या, सिंपल सी बात। ऐसे सारे मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम में करते हैं हम, थ्योरी में नहीं करते। थ्योरी पढ़ते समय बिल्कुल हर चीज इवन लेते हैं और फिर प्रॉब्लम करते समय ये करो वो करो ये नहीं करो वो मत करो सब कुछ करते, फिर तो सब कुछ कर डालते हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ प्रॉब्लम करते समय, और तरह तरह के प्रॉब्लम करेंगे आप। दो साल हैं पूरे प्रॉब्लम करने के लिए इसके ना। हाँ हाँ अरे आप वाटरफॉल की क्यों बात कर रहे हो, अपन किसी वाटरफॉल में नहीं जा रहे अभी, अभी तो अपन वेसल के अंदर बैठे हुए हैं, वेसल के अंदर नहीं बाहर बैठे हुए हैं, अंदर से मतलब बाहर से देख रहे हैं वेसल। डेफिनेटली इसमें लेवल बढ़ाते जाएंगे तो यार प्रेशर बढ़ेगा ना, एच बढ़ेगा, तो यदि इसमें लिक्विड लेवल बढ़ाते जाएंगे तो डेफिनेटली एच बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अभी आप ये सब काम क्यों कर रहे हो, अभी रेजिस्टेंस पर तो देख लो ना। यह जो चीज मैं बता रहा हूं इनफैक्ट यह चीज गैसेस के लिए भी होल्ड करती है, गैस गैस एग्जर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। मैं आगे बताने जा रहा हूं कि हमारे आसपास हमारे चारों तरफ जो एयर है, हम जिसे एटमॉस्फेरिक एयर बोल रहे हैं, इसकी वजह से कुछ प्रेशर है और वह वन एटमॉस्फेयर, तो दैट प्रेशर एक्ट इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। जितना प्रेशर इस दीवार पे उतना ही प्रेशर इस दीवार पे, उतना ही प्रेशर इस दीवार पे, इतना ही प्रेशर ऊपर, इतना ही प्रेशर नीचे, इतना ही प्रेशर चारों तरफ। एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, प्रेशर ऑलवेज एक्ट एट एनी पॉइंट, प्रेशर ऑलवेज एक्ट इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। अब हाँ व्हाट, अरे वाह सब भी समझूंगा, अभी पहले देख लो मैंने क्या बोला। सबसे पहले मैं चीजों को बताता हूं कि ऐसा होता है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्यों होता है, पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आगे बढ़ के बताऊंगा। हाँ नहीं एक मिनट, मैं किसी बात ऑलरेडी कर रहा हूँ प्लीज सुनाए। हाँ हाँ अरे मैं ये इस तरह के सवाल एकदम सब पूछो, मैं गैसेस पा रहा हूँ तब पूछ रहा, अभी मैं लिक्विड पर चल रहा हूँ। हाँ 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 नहीं वेसल नॉन यूनिफॉर्म हुआ से क्या मतलब है, इन द सेकेंड डायग्राम में ऐसा एक वेसल ले लेता हूं और नीचे से भी इसको नॉन यूनिफॉर्म कर देता हूं, कैसा लगा मेरा वेसल? ठीक है ऐसे ही वेसल की बात कर रहे हैं ना, जो ऊपर से भी नॉन यूनिफॉर्म, नीचे से भी नॉन यूनिफॉर्म, हर तरफ से नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है अभी इधर मैंने होल करा, ठीक है अभी आपको सिर्फ इधर से इधर तक की हाइट लेने की जरूरत है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है या कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो यहां जो प्रेशर होगा एच रो जी, यह मैक्सिमम हाइट ले लेंगे, इसकी वजह से हम प्रेशर निकाल लेंगे। अभी ऐसा भी क्यों करेंगे ये मैं आपसे पूछने लगूं तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है ना।
मैं इस सब चीजों को समझाऊंगा कि हम ऐसा भी क्यों करते हैं। मेरा आज का लेक्चर मैं यहीं तक रोकता हूं। मैं परसों के दिन इसी प्रेशर कंसेप्ट को और भी ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। प्रेशर कंसेप्ट में सबसे ज्यादा लंबा समझाऊंगा, 3 लेक्चर्स मेरा सिर्फ प्रेशर कंसेप्ट डिटेल में चलेगा। सॉल्व फॉर टू पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में मैंने अभी तक देख कहीं कोई वृत्त का जिक्र नहीं करा, कोई वृत्त का लेना देना नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट को करोगे फिक्स इस तरीके से यह एक्सपेरिमेंट दिखाई देगा। फिर एक और बार मैं बताता हूं कि क्या हमने करा है, क्योंकि कई सारे सवाल अब मैं आपसे पूछने वाला हूं। 1 मीटर ग्लास ट्यूब ली, एक तरफ से जो क्लोज है दूसरी तरफ से ओपन है। प्रेफरेबली इट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है तो बहुत अच्छा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की नहीं भी होगी तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा हमारे एक्सपेरिमेंट और उसके रिजल्ट्स पर। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझको कैलकुलेशन में आसानी होगी। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की 1 मीटर लंबी ग्लास की ट्यूब ली, पूरी तरह से मर्क्यूरी से भर दिया गया। यहीं तक मैंने आपसे कहा है कि 3 सवाल यहीं पर उठ खड़े होते हैं। पहली कि 1 मीटर ही लंबी क्यों ली, दूसरी ग्लास की ही ट्यूब क्यों ली, तीसरी मर्क्यूरी ही क्यों लिया। चौथा सवाल भी उठता है कि क्या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना जरूरी है। तो इसका सवाल तो मैंने ऊपर दे दिया है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लेने से हमारे कैलकुलेशन में आसानी। फिर हमने इस ट्यूब को पूरी तरह से 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। 180 डिग्री से रोटेट करने के दौरान मर्क्यूरी नहीं फैलनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखा जाए। जब आप रोटेट कर रहे हो उस दौरान नहीं फैलना चाहिए मर्क्यूरी, इसलिए आप इसके ऊपर इस तरह से हाथ लगा दो, पूरी तरह से घुमाओ और फिर हाथ को हटा दो। अब जब आप हाथ को हटाओगे यू विल ऑब्जर्व कि 24 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम तो नीचे गिर जाएगा, फैल जाएगा, और 76 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम ट्यूब में ही हवा में ही लटका रह जाएगा। फिक्स 76 सेंटीमीटर। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। हाँ, मैं वो वही बता रहा हूं, अभी आप पूछो मत, जो मैं पूछा उसका जवाब दो। यदि इस ट्यूब को आप लोग मुझे सोच समझ कर बताएं, कुछ भी पूछने के पहले अभी आप लोग मुझको सोच समझ कर बताएं कि यदि इस ट्यूब को 1 मीटर के बजाय 2 मीटर की ट्यूब लिया जाता, इस ट्यूब को 1 मीटर के बजाय 2 मीटर की ट्यूब यदि हम लेते हैं और उसमें नीचे से ऊपर तक मर्क्यूरी यदि भरकर रखते हैं और उसे उल्टा करते हैं, क्या आप में से कोई भी मुझे बताएगा उल्टा करने पर कितनी मर्क्यूरी फैल जाएगी और कितनी मर्क्यूरी हवा में लटकेगी? 25%। नहीं, आपका आंसर गलत है। हाँ, इंटरेस्टिंगली यदि हम 1 मीटर के बजाय 2 मीटर की ट्यूब लें, उसमें मर्क्यूरी भरें और सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करें, विल ऑब्जर्व कि इस बार भी ट्यूब में हवा में 76 सेंटीमीटर की मर्क्यूरी कॉलम ही लटकेगी और 124 सेंटीमीटर की मर्क्यूरी कॉलम फैल जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट को 1 मीटर का ट्यूब लेने के बजाय 2 मीटर का यदि ट्यूब लेकर करा जाए तब भी हवा में 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम ही लटकते दिखाई देगी। यदि 2 मीटर के बजाय 3 मीटर की ट्यूब लेते, 3 मीटर की ट्यूब में
यदि पूरे 3 मीटर तक मर्क्यूरी भरते, फिर उसको उल्टा करते, जितनी मर्क्यूरी फैल रही है फैलने देते, तो सी लेवल पर हम देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली हम देख रहे हैं इस चीज को, हम देखेंगे कि 224 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम फैल जाएगा और वही 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम हवा में लटकेगा। यदि हम 10 मीटर की ट्यूब भी ले लें, 10 मीटर की ट्यूब को पूरी तरह से मर्क्यूरी से भर दें और फिर उसे उल्टा करें और उल्टा करके नीचे से छोड़ दें, हम वंस अगेन देखेंगे कि वही 76 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम हवा में लटकेगा और 924 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम फैल जाएगा। इसके बजाय यदि हम 90 सेंटीमीटर की ट्यूब लेते, 1 मीटर से थोड़ा कम, 90 सेंटीमीटर की ट्यूब लेते, नीचे से ऊपर तक मर्क्यूरी से भरते और फिर वापस उल्टा करते और फिर वापस छोड़ते, वंस अगेन हम देखेंगे 14 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम फैल जाएगा, 76 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम वहीं हवा में लटकेगा। उसके बजाय यदि हम 80 सेंटीमीटर की ट्यूब लेते, 80 सेंटीमीटर की ट्यूब में पूरी मर्क्यूरी भरते और फिर उसे उल्टा करते और फिर उंगली हटाते नीचे से, हम देखेंगे 4 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम नीचे फैल जाएगा और 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम वहीं ट्यूब में हवा में लटका हुआ दिखाई देगा। यदि हम 77 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम लेते और सेम एक्सपेरिमेंट करते, 77 सेंटीमीटर की ट्यूब लेते, अभी कोई सवाल नहीं करे, मैं भी समझा रहा हूं, 77 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम लेते और पूरी तरह से मर्क्यूरी से भरते और उसे उल्टा करते, हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम फैल जाएगा और 76 सेंटीमीटर वहीं पर लगेगा। और यदि हम एग्जैक्टली 76 सेंटीमीटर की ही ट्यूब लें, पूरी तरह से मर्क्यूरी से भरे, उल्टा करें, हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम फैलेगी नहीं, सारा का सारा मर्क्यूरी कॉलम ऐसा कैसे ही वहीं हवा में लटकता रहेगा। 76 सेंटीमीटर से कम यदि आप ट्यूब लेते हो तो एक्सपेरिमेंट फेलियर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर फिर मर्क्यूरी आपको गिरती हुई नहीं दिखेगी और आप कभी भी सही मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। यदि आप 75 सेंटीमीटर लेते हो या 70 सेंटीमीटर लेते हो या 60 सेंटीमीटर लेते हो तो 1 सेंटीमीटर भी मर्क्यूरी कॉलम फैलेगी नहीं और आपको जो चाहिए वह कभी आपको मिल नहीं पाएगा। इट्स एन इनकम्प्लीट, मतलब जो एक्सपेरिमेंट में आपने मिनिमम ट्यूब की साइज जो है उससे कम चूज कर ली, मर्क्यूरी के साथ मिनिमम ट्यूब की जो साइज होनी चाहिए दैट इज 76 सेंटीमीटर, मिनिमम 76 सेंटीमीटर की ट्यूब लेकर हम इस एक्सपेरिमेंट को करते। अब इस एक्सपेरिमेंट को अभी मैं 1 मीटर की ट्यूब लेकर ही दिखाता हूं और इस तरह का सेटअप देखिए। अब इस ट्यूब में 24 सेंटीमीटर मर्क्यूरी के फैल जाने के बाद 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी इधर हवा में लटके रहने के बाद, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि यह जो 24 सेंटीमीटर का यह जो स्पेस ट्यूब के अंदर बन गया है इसमें क्या है? यह जो स्पेस ट्यूब के अंदर बन गया है इसमें क्या है? इट्स वैक्यूम। इस जगह पर अब वैक्यूम बन चुका है। वैक्यूम मतलब इस जगह पर कुछ है ही नहीं, कोई गैस नहीं है, कोई मैटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस जगह पर वैक्यूम बन चुका है। 24 सेंटीमीटर का वैक्यूम का एक कॉलम बन जाएगा। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि इस सरफेस पर इस वैक्यूम के द्वारा ऊपर से क्या कोई फोर्स लगेगा? भाई वैक्यूम किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाता, फोर्स तो कोई मैटर लगा सकता है, कोई गैस लगा सकती है,
किसी गैस की वजह से प्रेशर हो सकता है, किसी गैस की वजह से फोर्स हो सकता है, लेकिन यदि कहीं पर कुछ है ही नहीं तो कुछ भी नहीं की वजह से क्या प्रेशर लगेगा, क्या फोर्स लगेगा। मैं कहता हूं इस सरफेस पर कोई फोर्स या कोई प्रेशर एक्ट ही नहीं कर रहा है। देयर इज नो फोर्स नो प्रेशर एक्टिंग ओवर दिस सरफेस। फिर मेरा सवाल है, ट्यूब में मर्क्यूरी के इस सरफेस पर, यह जो बॉटम लेयर है, यह जो बॉटम सरफेस है, क्या इस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? हां, इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इस सरफेस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है। इधर एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर एग्जर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। एटमॉस्फेरिक एयर सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करती है। इस सरफेस पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस सरफेस पर ऊपर की तरफ इस तरह से लगेगा। यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड कॉलम को ऊपर की तरफ धक्का देगा इस तरह से, और इस एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वहां पर जो फोर्स लगेगा दैट वुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। हियर ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, हियर ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया। एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से वी ऑलवेज नो दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, हेंस फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से इस मर्क्यूरी कॉलम पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा। अब जरा सोचिए, दिस मर्क्यूरी कॉलम इट्स फ्री टू मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन। यह मर्क्यूरी कॉलम वर्टिकल डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकती है। यह नीचे भी गिर सकती है और ऊपर भी जा सकती है। यह मर्क्यूरी कॉलम वर्टिकल डायरेक्शन में फ्रीली मूवमेंट कर सकती है, लेकिन यह मर्क्यूरी कॉलम फिर भी स्टेशनरी है। फ्री मूवमेंट हो सकने के बाद भी यह मर्क्यूरी कॉलम बिल्कुल स्टेशनरी है। यदि यह मर्क्यूरी कॉलम बिल्कुल स्टेशनरी है तो साफ है इसकी वजह है कि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, फोर्सेस को बैलेंस होना चाहिए। द नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू द नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोर्सेस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट, दे शुड कैंसिल ईच अदर। वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी भी फोर्स हैं, वह इक्वल एंड अपोजिट होकर एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देना चाहिए। आप देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में हमने एक फोर्स तो आइडेंटिफाई कर ली है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मर्क्यूरी कॉलम को धक्का दे रही है ऊपर की तरफ। इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कोई फोर्स होना चाहिए। इक्वल एंड अपोजिट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कोई फोर्स होना चाहिए। इस सरफेस पर ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा। नीचे की तरफ कोई एक फोर्स होना निश्चित है। कौन सी है वह फोर्स? डेफिनेटली द ग्रेविटेशनल पुल। ड्यू टू अर्थ फॉर दिस मर्क्यूरी कॉलम, अर्थ मर्क्यूरी कॉलम को
वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, अर्थ मर्क्यूरी कॉलम को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, और अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स मर्क्यूरी कॉलम पर एमजी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। दिस इज वर्टिकली डाउन फोर्स एंड दिस इज वर्टिकली अप फोर्स, द टू फोर्सेस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। दिस फोर्स दैट इज प्री एटमॉस्फियर इनटू एरिया शुड बी इक्वल टू एमजी, where m is the mass of mercury column, j is acceleration due to gravity, mj is vertically downward force, p atmosphere into a, this is vertically upward force. We used to say this p atmosphere into area, mass ki jagah par main density of mercury into volume of mercury likh sakta hu. We always know that density is equal to mass upon volume. Density equal to mass upon volume. Mass is equal to density into volume. Mass of mercury ki jagah par density of mercury